पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान हो गया था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उससे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। और फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने सारी रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और फिर काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। तो वह अपनी जेठानी से बोली, अच्छा जीजी, तो मैं चलती हूँ, सारा काम हो गया है। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह स्वयं ही रुकी, परंतु रास्ते में आते आते वह सोच रही थी कि मेरे घर पर पितरों के भोजन के लिए तो कोई सामान नहीं है, मैं घर जाकर उनके लिए क्या पका पाऊंगी। लेकिन ऐसा सोचते सोचते ही वो अपने घर पहुंच गई और उसने बहुत ही श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए अंगियारी तैयार की। शीघ्र ही दोपहर हो गई, पितर भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ चले गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर आ पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो दो वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ बहुत भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और बोले, माँ यहाँ आओ, देखो हौदी के नीचे क्या है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई और वह सोचने लगी कि शायद आज पितरों को उसकी हालत पर तरस आ गया है और उन्होंने कृपा करके उस पर यह उपकार किया है। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया।
भोगे और उसकी पत्नी ने अपने पितरों को मन ही मन सादर प्रणाम किया और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद किया। इतना धन पाकर भोगे और उसकी पत्नी को घमंड नहीं आया था। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर पूरी श्रद्धा भाव से श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को भी बुलाया और उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। उससे उनके पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए और उन सभी को आशीष देते हुए अपने लोक को चले गए। तो ऐसी है पितृ पक्ष में श्राद्ध करने की महिमा। श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप से आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को वे सहर्ष स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अतिरिक्त पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। श्राद्ध कर्म के दौरान हमें लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा और अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान बाल और दाढ़ी भी नहीं कटवाने चाहिए, इससे धन की हानि होती है। भक्तों को अपने हाथ में जल, कुशा, अक्षत, फूल और काले तिल लेने चाहिए और पितरों का ध्यान करते हुए उनसे जल ग्रहण करने का अनुरोध करें। पितृपक्ष में हम अन्य जल का भोग कौए के माध्यम से लगाते हैं। कहा जाता है कि कौआ यम का यानी यमराज का प्रतीक होता है। कौए का भोजन कराना अपने पितरों को भोजन पहुंचाने के समान माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में कौओं को निवाला देना बहुत शुभ माना जाता है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।